मूव मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, बिहार में शराबबंदी है और एक सच ये कि शराबबंदी के बाद भी जहरीली शराब से मौत होती है। उसके बाद समीक्षा कि हम ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, और समीक्षा के नाम पे 7 घंटे, और उसके बाद कि चौकीदार और थानेदार बख्शे नहीं जाएंगे। तो क्या सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से शराब बिक रही है या ऊपर वाले अधिकारी का भी इनमें हाथ है? सारिका पासवान हमारे साथ हैं। सारिका जी, 7 घंटे तक समीक्षा बैठक चली, मंथन हुआ, चौकीदार और थानेदार अब तो मतलब शराब नहीं बिकेगी, अब वो लोग एक्टिव हो जाएंगे। देखिए, इसके पहले भी सरकार के द्वारा कई समीक्षा बैठक हुई। ये जो कल का समीक्षा बैठक था, ये इसको नाम दिया गया था महा समीक्षा बैठक। वैसे इसमें कुछ महा जैसा दिखा तो नहीं मुझे, क्योंकि बातें वही सामने आई। हम लगातार कह रहे थे कि घरों में होम डिलीवरी शराब इजीली अवेलेबल है, जिस पे कि सरकार ने कल मुहर लगा दी। इस अपने महा समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा और माना कि हाँ, घरों में होम डिलीवरी जो की जा रही है शराब, उस पर वो लगाम लगाएंगे। ना जाने कैसे लगाम लगाएंगे, क्योंकि भाई जो लोग पहुँचा रहे हैं और जिन लोगों के हेल्प और मदद से बिहार में शराब जो है वो घर घर तक पहुंच रहा है, ये कोई और नहीं, उनके सत्ता प्रशासन से जुड़े हुए ही लोग हैं। अब कल एक चीज़ जो इन्होंने कही कि चौकीदार जो है नपेंगे, थानेदार जो नपेंगे, भाई चौकीदार और थानेदार सिर्फ क्यों नपेंगे? आप छोटे लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हैं? आप बड़े लोगों पे क्यों नहीं टारगेट? आप क्यों नहीं कह रहे कि वहाँ के SP DM और वहाँ के मंत्री और विधायकों पे भी कार्रवाई की जाएगी, उनको तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा? अगर आप चाहते हैं वाकई में कि सरकार बंदी सख्ती से यहाँ पे पालन हो, लागू हो, और पिछले 5 सालों से आपके सरकार में शराबबंदी का तो हमने देख लिया कि किस तरीके से जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, घर घर में इजिली शराब अवेलेबल है, हर चौक चौराहे पर प्रतिदिन शराब के खेमे जो पकड़े जा रहे हैं, आपके मंत्री और विधायकों के घर और स्कूलों से भी शराब बरामद हुई, तो क्या सरकार ने अभी तक काम किया? कुछ काम नहीं किया। तो अभी भी आप क्या कर रहे हैं? चंद एक महासमीक्षा के नाम पे आप लोगों को ढोंग और बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। बददस्तूर ये शराब माफिया का गिरोह जो है सत्ता और सरकार के संरक्षण में चलता रहेगा। ये सरकार कुछ नहीं करे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक पैरेलल इकोनॉमिक चल रही है बिहार में, जिसको मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी इतने जल्दी अपने हाथों से जाने देंगे। नीतीश कुमार जी इतने जल्दी जाने नहीं देंगे, आप ऐसा कह रही हैं, बट दूसरी तरफ देखिए डिप्टी CM रेणु देवी जो शब्द का इस्तेमाल किए, क्या कहना है? आप भी एक महिला, वो भी एक महिला, और साथ में उस पोस्ट पे। देखिए, सुशासन की सरकार में ऐसे जो कहते हैं ना सुशासन वाले लोग, हमने देखा किस तरीके से अमर्यादित हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हर मंच पे अमर्यादित हुए। अब उनकी डिप्टी CM जो हैं महिला हैं, चलिए ठीक है, बावजूद इसके वो किसको हरामजादा बोल रही? अपने पदाधिकारियों को, उनके ही लिए काम कर रहे हैं वो, और उनको बोल रहे हैं कि फलाने पदाधिकारी जो हैं हरामजादा हैं। अब कल को कुछ और भी बोलेंगी वो, मैं नहीं कह सकती उनकी क्या लिमिटेशन है बोलने की, किस हद तक वो जा सकती हैं। लेकिन अब इस पे भाई सरकार संज्ञान ले, नीतीश कुमार संज्ञान ले कि डिप्टी CM जो हैं आपके मतलब पदाधिकारियों को हरामजादा जैसे शब्दों से संबोधित कर रही हैं। तो अब इस पे नीतीश कुमार जी का क्या कहना है, क्या एक्शन लेते हैं? और स्वयं रेणु जी को ज़रूर है कि आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए, आगे आके माफ़ी मांगनी चाहिए। रेणु देवी जो डिप्टी CM हैं, कल उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था वो अमर्यादित है, और साथ में जो बंदी है, बंदी के बावजूद शराब बिक रहे हैं, और उसके बाद सवाल और उसके बाद समीक्षा बैठक, क्या है ये? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।